आइए मिलाते हैं आज हरियाणा के एक शेर से जो बने हैं जीरो से हीरो, मिस्टर शहाबुद्दीन खान। शहाबुद्दीन खान पिता अब्दुल हमीद, माता नजीरी, हम 6 भाई और 3 बहन हैं। मेरा जन्म जिला करनाल हरियाणा के एक छोटे से गांव उपलना में हुआ। जब मैंने होश संभाला तो मेरे घर में गोबर का पोंछा लगता था और हमारा घर की छत पौधों को काटकर उसकी छत बनी हुई थी। जब मैं स्कूल जाता था तो यूरिया खाद के प्लास्टिक के कट्टे से मेरा स्कूल बैग बनवाया था। मैंने बहुत कम उम्र में डिसीजन लिया कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। मेरे गांव से एक कस्बा जिसका नाम असंध है, जो कि मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं 5 बजे सर्दियों के दिनों में साइकिल पर असंध गांव में फोटोग्राफी सीखने जाने लगा। सर्दियों में साइकिल पर हाथ सुन पड़ जाते थे, पर मैं कभी भी सीखने में पीछे नहीं रहा। मैंने 4 साल तक राज स्टूडियो पर फोटोग्राफी का काम सीखा। फोटोग्राफी सीखने के बाद मैंने गोहाना जिला सोनीपत में शिफ्ट हो गया और मैं गोहाना में अपना स्टूडियो चलाने लगा। छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। पैसा ना होने की वजह से किराए के मकान के एक ऐसे हिस्से में रहता था जिसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ करता था। स्टूडियो खोलने के बाद थोड़ी दाल रोटी ठीक चलने लगी थी। मैं स्कीमों में उलझने लगा और सारे पैसे और इमेज खराब कर दी थी। थोड़े दिन के बाद मुझे मेरे दोस्त विजय विरोधिया जी मिले और मुझे RCM के बारे में बताने लगे, लेकिन मैंने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं पहले से इस तरह की मेंबर बनाने वाली कंपनियों में काम कर चुका था। नॉलेज नहीं होने की वजह से मेरे पास जो पैसा था वह सब बर्बाद हो गया और मेरा स्टूडियो समय न देने की वजह से बंद हो गया। मेरे माँ बाबूजी, सभी दोस्त मुझसे नाराज रहने लगे। माँ बाबूजी ने डिसीजन लिया कि यह मेंबर सेंबर बनाने का चक्कर में लगा रहा, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। मेरी बहुत कम उम्र में साबरा के साथ शादी कर दी गई। शादी के बाद कोई काम ना होने की वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगा। साबरा ने कहा, किसी स्टूडियो पर 2000 की नौकरी कर लो, ऐसे कब तक बैठे रहोगे। 15 जनवरी 2005 को दोबारा से विजय विरोधिया जी, जो मेरे अच्छे दोस्त, वह दोबारा आए और उन्होंने कहा, यार तुम RCM क्यों नहीं समझना चाहते। यह देखो, RCM से मेरे 21,000 रुपए का चेक आया है और 1 घंटा मुझे स्कीम और बिजनेस में अंतर समझा। मैंने 15 जनवरी 2005 विजय जी से मिलने के बाद डिसीजन लिया, लेकिन फील्ड से निकलने के लिए पैसा चाहिए था। स्टूडियो बंद हो चुका था। पैसा ना होने की वजह से मैं फील्ड में नहीं निकल पा रहा था। उन दिनों साबरा के पास 700 रुपए रखे हुए थे। मेरी मिसेज साबरा ने कहा कि इनसे अगर काम चल सकता है तो इन्हें रख लो। मैंने साबरा से 700 रुपए लिए और फील्ड में निकल गया। 7 से 8 दिन के बाद मेरे पास वो जो 700 रुपए थे वो खत्म हो गए। वापस घर जाने के लिए बस का किराया भी पूरा नहीं था। उन्हीं दिनों मेरा बड़ा भाई के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसको मैंने गोद ले लिया था। मेरी बेटी ऊपर का दूध पीती थी। मैं 10 दिन से फील्ड में था। मेरी बेटी रो रही थी। मेरे मिसेज के पास 20 रुपए 1 लीटर दूध खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। और जब मेरी मिसेज ने यह घटना मुझे बताई कि बेटी का दूध के लिए भी पैसा नहीं था, जब मैंने 1 लीटर दूध ना होने की घटना साबरा से सुनी तो मैं और तेजी के साथ RCM में काम करना शुरू किया। लगातार सिस्टम को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को RCM का बड़े से बड़े फंक्शन में बिठाने लगा। मैं रॉयल्टी अचीवर बना, फिर मैं टेक्निकल बना और फिर मैं स्टार रूबी बना और मैं जुनून से काम करता गया।
और फिर मैं सितंबर 2021 फाउंडर सफायर बना। जो सारा ड्रीम अधूरा था वह सब आरसीएम के माध्यम से पूरा हुआ। जो शहाबुद्दीन खान कभी 500 रुपए के किराए के कमरे में रहते थे, आज वो 2 से 3 करोड़ के ड्रीम हाउस में रहते हैं। जिस शहाबुद्दीन खान के पास घर जाने तक का किराया नहीं हुआ करता था, आज वो सबसे ज्यादा फ्लाइट में सफर करते हैं। जो शहाबुद्दीन खान अपनी बेटी के लिए 20 रुपए दूध नहीं खरीद सकता था, आज अगर वो पूरी सिटी का भी दूध खरीद लें तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो शहाबुद्दीन साइकिल पर चलता था, आज वो जिस गाड़ी पर हाथ रख दें वह गाड़ी अपनी हो जाती है। आज मेरा बच्चा हमारी सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता है। आज दुनिया की सारी खुशियां खुदा ने हमें दे रखी। हमारे वालिद साहब ने कहा कि इसको कुछ काम सिखा दें। एक फोटोग्राफर था ग्रोवर स्टूडियो के नाम से, उसके पास इसको काम सीखने के लिए छोड़ दिया और इसने 2-2.5 साल में काम सीखा। फिर उसके बाद यहाँ जलमाने में इन्होंने एक साहब स्टूडियो के नाम से अपनी फोटोग्राफर की दुकान की। वो मेरे पास 3-4 साल स्टूडियो में रहा, काम किया। यहाँ से तकरीबन उसका गाँव 12 किलोमीटर था और उसने साइकिल पे ही आता था और साइकिल पे ही वापसी जाता था। उसको बहुत बड़ा जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। शहाबुद्दीन जब यहाँ पे काम सीखने आता था 15-16 साल की उम्र थी, मैंने इसको अपने हाथों से कैमरा पकड़ के चलाना सिखाया। भाई साहब जो है फोटोग्राफर बन गए और हम जो है अपना खेत वाली लाइन में चले गए। जब मैं फोटोग्राफी करता था रात दिन लगा रहता था, मैं एडिटिंग करता था, नींद जो है मैं पूरी नहीं कर सकता था, 24 घंटे काम करता था, उसके बावजूद भी दाल रोटी चल रही थी। तो इसी हिसाब से फिर हमारी आंसू छूट गए जब उसने पेन कॉपी निकाली। हमने कहा भाई कोई ना कोई स्कीम लेकर आ गया। और जब उसके घर गया, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो उसके अजीब से इम्प्रेशन थे कि यार ये शहाबुद्दीन क्या ये मेंबर सेम्बर बनाने के काम शुरू कर दिए। और जब उसने ये बोला तो मैं बड़ा उदास होकर वहाँ से लौटा। ये बेचारे बचपन से हमारे द्वारा आए हुए हैं, इनका कोई घर बार नहीं था। ये बचपन से आकर हमारे घर में बेचारे रहे करते। मेरे ऊपर काफी टोंट कसे जाते थे। मैंने इनको बोला मैं कैसा कैसा काम करते हो आप, अब थोड़ा मेरे को भी तो बताओ ना, आप मेरे को टाइम ही नहीं देते। आप कभी 5 मिनट के लिए जाते हो तो अगले दिन आते हो, अगले दिन को कह के जाते हो तो 10 दिन में आते हो। तो एक अजीब सी नजरों से लोगों ने मेरे को देखा कि यार मतलब ऐसा हो गया जैसे जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो दोस्तों ने मेरे को एकदम दूर कर दिया कि भाई पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया हो जैसे। रिश्तेदारों से कईयों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरी बात को नहीं सुना। किसी कंपनी को लेकर मेरे पास आता था तो मैं इसको बड़ा गुस्सा होता था कि तू कैसे कैसे धंधे में बड़ा हुआ है, तू बर्बाद हो जाएगा। तो इसके घर पे जाते थे तो इसके घर पे चाय भी पीने के लिए नहीं मिलती थी। हम इसको बहुत मना किया करते थे, तू कहाँ ऐसे ऐसे धंधों में बड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं माना और वो अपने उसी रास्ते पे चलता रहा। और ये जो थे मतलब बहुत ज़्यादा संघर्षशील थे, ये मेहनत जिस काम में भी जाते थे मेहनत बहुत करते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं एक छोटे से किराए के रूम में रहती थी और कभी मेरे मायके वाले आते थे, मैं यही सोचती थी कि उनको मैं कहाँ लिटाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ मैं खाना बनाऊंगी। ड्रीम मैं सुनता था, ये बोलते थे कि भाई मैं बड़ी गाड़ियाँ लूंगा, बड़े बंगले लूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा। और मैं इनके ऊपर हंसता था कि साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति इतने बड़े सपने देखता है। जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मोबाइल तो छोड़ो, दुनिया के अंदर हर खुशियों की लाइन लगा देनी है। मेरे पापा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आरसीएम का नाम लिया। मतलब जो भी मुझे पता चला उस टाइम पर, जो समझ आया मैंने सब बताया। तो मेरी टीचर ने भी मेरा काफी मजाक उड़ाया, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसने लगे। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था जिसमें प्लास्टर भी नहीं था। मैं एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, मेरी फोटो पड़ी हुई है वो, तो ये देखिए आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये प्लास्टर भी इस कमरे में नहीं हुआ करता। मिसेज कहने लगी ऐसा कब तक चलेगा, क्यों ना किसी फोटोग्राफर की दुकान पे तुम नौकरी कर लो, 1000-2000 रुपए में नौकरी मिल जाएगी, कम से कम गुजारा तो होगा। आज की जिंदगी और कल की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, एक सपना था, आज इसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है, इसके बच्चे अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इतनी बड़ी तरक्की। इस टाइम जैसे इन्होंने शुरू किया था इस बिजनेस को, उस टाइम इनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं और ये हमारे से 100-200 गुना आगे निकल गए। यदि हम जितना पैसा 3 साल में 2.5 साल में कमाते हैं ना दिन रात मेहनत करके, उतना खान साहब का एक महीने का है। और आरसीएम के जरिए से आज मैं 150 रुपए के सोचने वाली 2.5 करोड़ के मकान में मैं रहती हूँ। शहाबुद्दीन खान को इनके बचपन के दिनों से बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मेहनत का चलता फिरता साहित्य हमारे शहर में मौजूद है,
तुम ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इन्होंने जितनी मेहनत की बिल्कुल एक सामान्य से परिवार से उठकर और अपनी संघर्ष के बल पर। मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी को खून की जरूरत होती है तो वो कहीं ब्लड बैंक से खून मांगता है, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो खून को अपनी नस के मुंह लगाकर अपनी पूर्ति पैदा करते हैं। ये उन शख्सियत में से शहाबुद्दीन खान जी हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई डैड, क्योंकि उन्होंने आज हमें सब कुछ दिया है जो हम डिजर्व भी नहीं करते, वो अभी आज हमें दिया है। आज मेरे पास जो एक 500 रुपए के किराए के कमरा था मेरे पास, उसका किराया देने के पास पैसे नहीं होते थे। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मेरा अपना स्विमिंग पूल है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए के घर में मैं अभी रहता हूँ। और आरसीएम के माध्यम से पापा ने हमें पूरा हिंदुस्तान घुमा चुके हैं। पापा 2 साल तक बेड पे रहे लेकिन इनकम हमारी आरसीएम से नहीं रुकी। समय मिला, यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी मिली, यहाँ पे मेरे को इज्जत और मान सम्मान, वो सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिली। और दोस्तों वो है आरसीएम बिजनेस। और हमें एक दिन बताया कि मैंने एक ये सपना देखा है, मेरा ड्रीम हाउस बनेगा जिसमें एक बेसमेंट होगा, उसमें एक मीटिंग हॉल होगा और एक स्विमिंग पूल होगा टेरेस पे। और आज वो सपना बिकॉज ऑफ आरसीएम ये सपना सक्सेसफुल हो चुका है। जब से मैं इस परिवार का हिस्सा बना हूँ, कई बार पापा के साथ सेमिनार में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा कि उस संघर्ष से पापा ने क्या कमाया है। फूल मालाएं, कोई पैर छू रहा है, कोई क्लैपिंग, मतलब एक जैसे सुपरस्टार हो कोई। तो सर बोले कि अच्छा ये बता तेरे पापा कितने पैसे कमाते हैं। मैं बोले कि सर मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ इतना पता है कि सर मैं जिस चीज पे भी हाथ रख दूँ वो चीज मेरी हो जाती। मैंने सानिया मिर्जा को, अमिताभ बच्चन को, मैरी कॉम को, जब मैंने उनको पापा के साथ देखा, इतने इजिली से पापा उनके साथ मिल चुके हैं। आइडल सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड है और मेरे हीरो भी मेरे डैड है। और आई एम प्राउड ऑफ माई डैड एंड आई लव यू माई डैड। बहुत उनकी मैनेजमेंट उनसे सीखी जा सकती है कि किस तरीके से टीम को सही तरीके से मैनेज किया जाता है। वो जो भी ठान लेते हैं उनका डिटरमिनेशन इतना हाई है, वो जो भी ठान लेते हैं वो करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और वो बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे, उनके अंदर बहुत क्वालिटी है, उनसे बहुत कुछ पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। मिस्टर शहाबुद्दीन खान नाम को याद करते ही एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे जहन पे उभरती है जो अपने ग्रामीण परिवेश गोहाना से निकलकर आज पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम की छवि को फैला रहे हैं। एक बहुत अच्छे ड्रीमर, कमिटेड साथी, डेडिकेटेड कमिटमेंट और एक डेसिंग पर्सनालिटी जो कि जोश और जुनून से भरी हुई आरसीएम की ऊंची से ऊंची सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर रही है और एक दिन निश्चित रूप से आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन इनके सीने पर होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ये उनके कमिटमेंट और उनके ड्रीम पावर की वजह से मैं कह रहा हूँ। मुझे गर्व है कि शहाबुद्दीन खान मेरी टीम में है। जब मैं उसकी कामयाबी का दराज देखता हूँ तो उसका टीम के प्रति जोश, जुनून और टीम के प्रति डेडिकेशन की वजह ही उसका कामयाबी रहा है। टीम के प्रति हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार, शहाबुद्दीन खान का मतलब है विनर। शहाबुद्दीन खान एक बेस्ट स्टूडेंट के साथ एक बेस्ट प्लानर है। आई लव यू शहाबुद्दीन खान। जय आरसीएम। आई लव यू आरसीएम बिजनेस। आई लव यू खान। आई लव यू टू।